हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा रॉबर्ट पैटिंसन से रिलेटेड एक मेजर अपडेट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। बट उससे पहले बात करने से पहले मैं बात करूंगा काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 वीक्स पहले रिलीज हुई ब्लैक विडो की ऑफिशियली HD स्टिल इमेजेस, जिसमें कि हमें टास्क मास्टर देखने को मिले और ब्लैक विडो के कैरेक्टर देखने को मिले। तो ये काफी ज्यादा इमेजेस अच्छी लग रही है। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ट्विटर हैंडल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है मिशन इम्पॉसिबल 7 से रिलेटिव। एक इमेजेस तो डायरेक्टर ने डाली थी, फिर उसके बाद काफी सारी हमें इमेजेस देखने को मिली और एक वीडियो देखने को मिली, जिसमें कि काफी बड़ा सेट लगाया गया है मिशन इम्पॉसिबल 7 का, और उसी के साथ टॉम क्रूज उस पे स्टंट करते नजर आए, जिसमें कि उन्होंने एक बाइक चलाई काफी जोरों से और देन जैसे वो उतरे तो पैराशूट के साथ उतरे। तो काफी तरफ कह सकते हो भीड़ थी, सारे मीडिया वाले थे, और देन इस स्टंट के बाद टॉम क्रूज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। मैं तो बस ये एक्साइटेड हूँ सोच कर कि मूवी में ये स्टंट कैसा होगा। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि है मार्वल से रिलेटिव। तो मिस मार्वल की शूटिंग और प्रोडक्शन बिगिनिंग होगा नेक्स्ट ईयर से। अब कास्ट को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, पर प्रोडक्शन पूरा बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर से होगा। अब बात करते हैं स्टार वॉर से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो मैंडलोरियन सीजन 2 की ऑफिशियली एंटरटेनमेंट वीकली कवर मैगजीन ने ऑफिशियली इमेजेस लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें कि कैरेक्टर की डिटेल और देन बेबी योडा भी दिखा दी गई है। अब इसमें जो कैरेक्टर इंक्लूडिंग होंगे वो भी इसमें रिवील्ड करे गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ अब बात करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो इनको कोरोना हो चुका है, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी बताया था। पर अपडेट ये है कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है विदाउट रॉबर्ट पैटिंसन के। जी हाँ, डबल स्टंट का यूज करा जाएगा और देन मास्क के पीछे VFX से इनका चेहरा लगा दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ आपको पता होगा डेयर जॉनसन को भी कोरोना हो गया था, पर अब उनकी कह सकते हो हेल्थ बिल्कुल सही है और अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है मार्वल दी एवेंजर से रिलेटिव। तो ब्लैक पैंथर कंफर्म हो चुके हैं कि उस गेम में हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। अपडेट आ जाएगा और जो एवेंजर्स गेम खेल रहा होगा वो अपडेट कर सकता है इसे। उसी के साथ न्यू कॉमिक बुक लॉन्च हुई है स्टार वॉर्स की हाई रिपब्लिक, जिसमें कि यंग बेबी योडा हमें दिखाई गई है, जो कि स्टार वॉर्स 1, 2, 3 से पहले की स्टोरी है। और देन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी एक मूवी बने, जिससे कि हमें यंग योडा के बारे में पता चले कि वो स्पीशीज कहाँ से आई है और देन हमें कहाँ देखने को मिलेगी आने वाले फ्यूचर में और पहले भी। और इसी के साथ नए मैगजीन कवर लॉन्च करे गए हैं एंटरटेनमेंट वीकली के, जिसमें कि मैंडलोरियन और बेबी योडा को दिखाया गया है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देन एक नया अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल का, सेल्मा हैंग का एक ऑफिशियली लुक लॉन्च करा गया है लेजेंड सीरीज में, और देन उनका कॉस्ट्यूम दिखाया गया है। और तो और कह सकते हो कि मार्केटिंग मार्वल स्टूडियो फुल तरीके से कर रहा है, पर बिहाइंड द सीन में, ऑनलाइन नहीं। उसी के साथ अपडेट ये है कि शैंग-ची मूवी में हमें वॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। अभी नई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वॉन्ग ने शैंग-ची के साथ फोटो डाली। डेडपूल 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है रैन, उन्होंने खुद कहा एक सोशल मीडिया पर कि मैं चाहता हूँ कि ये मूवी जल्दी से जल्दी बने। उसी के साथ जोरासिक वर्ल्ड 3 की एक नई इमेज सामने आई है, जिसमें कि हमें नए डायनासोर देखने मिले हैं, जो कि आप इमेजेस मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ मार्वल स्टूडियो ने एक ट्रिब्यूट पोस्टर बनाया था, जो कि आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, और देन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। उसी के साथ एक नया अपडेट है ऑफिशियली सिल्क पर एक नई टीवी सीरीज बन रही है और सोनी इस पर काम कर रहा है और ये एकदम कन्फर्म हो चुका है। अब कास्ट क्या होगी, स्टोरी क्या होगी, ये तो पता नहीं, पर ये प्रिक्वल सीरीज होगी। उसी के साथ कुछ फिगर लॉन्च हुए हैं वंडर वुमन के और चीता के, जिसमें कि चीता का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देन बात करते हैं नए अपडेट के बारे में। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा लाइक चैडविक बॉसमैन का है। जी हाँ, आपको पता होगा, और शायद नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक ट्वीट चैडविक बॉसमैन का ही है। उसी के साथ अब बात करते हैं शूटिंग अपडेट के बारे में। तो 2022 से शूटिंग स्टार्ट होगी एंटमैन 3 की, अभी हाल ही में अपडेट आए हैं। और स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 2021 से। और उसी के साथ शज़ैम एक्टर जेनली ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी मूवी की भी शूटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 2021 से। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सब मूवीज़ के लिए, और देन आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स होंगे तो वो आपको मेरी सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदी इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर पैट पहन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, चारों।